मैं पागल था सलमान खान के तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल के पीछे। अरे बाप रे, लेकिन दसवीं में आया था हनी सिंह का एरा। मैं पहुंचा अपने नाई के पास, मैंने कहा भाई ऐसे बाल चाहिए, काट दे। हाय, दिस इज अंशुमन मल्होत्रा। हाय, दिस इज लक्ष्य ठाकुर। एंड वेलकम टू, सबसे पहले तो ये बताओ बालों का राज क्या है इनके, यार घने सुनहरे बालों का। माँ बाप हैं बेचारे उनका डीएनए है और उन्हीं की वजह से हैं जो बाल हैं। मैं बचपन से सच बताऊं, बालों का ना टेक केयर मैंने जितना नहीं किया, क्योंकि मम्मी लोग करते हैं इतना कि उनको पता है अरे मेरा राजा बेटा है ना, इसके बाल इतने अच्छे हैं तो इसकी तेल मालिश भी कर देती हूँ। हेयर स्टाइलिंग का तो यार हमारे ना दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है कि हुआ, हर किसी को करना ही करना है बढ़िया से बढ़िया हेयर स्टाइल। अब आठवीं से लेकर दसवीं तक तो मैं ऐसा ही था, मैंने कुछ इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन दसवीं में आया था हनी सिंह का एरा। जैसे वो बंदे ने पहला अपना हेयर स्टाइल ड्रॉप किया, मैं पहुंचा अपने नाई के पास, मैंने कहा भाई ऐसे बाल चाहिए, काट दे। मैं पागल था सलमान खान के तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल के पीछे। अरे बाप रे। तो मेरे जैसे ही मम्मी पापा काम पे निकल जाते थे और मैं स्कूल से जब आता था, एक एक घंटे जो है शीशे के सामने खड़े होके खूब सारा पानी लगा के और फिर उसको ऐसे कंघी, एक इधर साइड और यहाँ से ऐसे ये गिर रहा है और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। मैं हेयर केयर रूटीन में सिंपल एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले शैम्पू डर्ट रिमूव करने के लिए। मैंने भाई एक बार बाल कलर करवाए हैं अपने, पूरे ऑरेंज करवा लिए थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता मेरे भाई, मेरे बाल तो तीसरे चौथे दिन आप छुओगे ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुड्डे गुड़िया में नहीं प्लास्टिक के बाल होते हैं वैसे हो गए थे। कोई माइलस्टोन अचीव कर लूँ ना मैं किसी भी हेयर स्टाइल के साथ, स्टाइल वो बन जाएगा उसके बाद। तो भाई 8th क्लास में ना एक नया चस्का चढ़ा था और मैंने रोनाल्डो को उस टाइम पे पहली बार देखा था, बट उस टाइम पर ना यार बड़ी दिक्कतें आती थी, बाल सेट होते नहीं थे। चलो मेरे तो बाय चांस अच्छे बाल हैं क्योंकि मेरे मोटे बाल हैं, तो खड़े होने में दिक्कत ही होती, बाकी ऐसे मुंह पे बाल आ रहे हैं, बंदा देख के डर जा रहा है कौन तू। मेरे देखो बाल अगर छोटे हैं कि एक हाथ ऐसे पीछे घुमाया चले गए खेलने, क्योंकि अब खेलने से पसीना निकलना ही है, तो मेरे जैसे अभी बाल है, अब जैसे मेसी के नहीं जब यंग एज में हुआ करते थे इतने ही लंबे बाल। तो यहाँ पर हल्का सा मेरे लिए तो स्टाइल इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ आपके लिए ना हो, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जब तक यार रोनाल्डो नहीं दिखे ना अपनी फील्ड में तब तक बने नहीं तुम। वो प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या बाल मेरे मतलब किस चीज से सेट रह सकते हैं या किस चीज से रुके रहेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है ये नीचे ही आ जाएंगे। अच्छा गाइस गाइस, व्हाट इफ हम आपको कुछ स्टेप्स दें और वो स्टेप्स यूज करके आप अपना हेयर स्टाइल बनाएं और वो हेयर स्टाइल मेंटेन रहे इवन आफ्टर यू स्वेट। अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया तो यार, ऐसा हो नहीं सकता, यू बिलीव इट। ये कह रहे हैं कि ये हमें कुछ स्टेप्स देंगे, अगर हम वो फॉलो करके हमारा हेयर स्टाइल बनाएं right? और अगली बार खेलने जाएं वही हेयर स्टाइल के साथ तो वो हेयर स्टाइल बिगड़ेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टिप्स तो यार बता ही दो फिर कर लेंगे। That is unbelievable for my... बट पहले ये बताओ क्या आप हेयर स्टाइल करोगे उसके बाद? चलो ठीक है, कम लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। बिल्कुल भाई, मैसी फेल है आज तो तुम्हारे सामने। भाई थैंक यू यार, ये तो मतलब भाई लग रहा है ना, हेडर के लिए फुल रेडी है तू है? बिल्कुल यार, अब तो लग रहा है बॉल पे भी छेद हो जाएगा। मुझे तो ये बाल देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ऑलरेडी खेल के आ रहा हूँ फुटबॉल। हाँ एग्जैक्टली, और फिर भी इतने बढ़िया सेट है, और मैं जो बोल रहा था कि भाई मेरे को स्टाइल चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए हो गया ना, ये देख बहुत मस्त लग रहा है, स्पोर्ट एक्सट्रीम, लुकिंग वेरी डिफरेंट है ना, गुड वे, और मैंने टाइम भी बहुत कम लगाया, यू नो दैट, मतलब ये अपने आप हुआ है भाई, ये टेक्सचर जो आ रहे हैं, लाइक आई वाज जस्ट प्लेइंग विद माय हेयर। भाई ये क्ले वैक्स बहुत ही बाप है यार। अच्छा इसकी और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सल्फेट फ्री है। अच्छा हाँ, मेरा वाला भी अल्कोहल फ्री है। बहुत ईजी स्टेप्स थे, डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स दिए हैं, अगर आप भी फॉलो करोगे मैं बता नहीं सकता इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हो। आई एम टू एक्साइटेड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर यू गाइस टू ट्राई इट। और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, कितना इजी था। हाँ गाइस, आप क्ले वैक्स यूज करके ऐसा हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट समथिंग स्पोर्टी देन गो फॉर द स्पोर्ट एक्सट्रीम वाला जेल, मजेदार है भाई ये। हैक योर हेयर विद सेटवेट।
अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको बाल बनाने में तकलीफ होती है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मेंस एक्सपी को सब्सक्राइब कीजिए भाईजान, वो नहीं करोगे तो ऐसे बात कैसे बनेगी, उसके बिना आपकी जिंदगी वैसे भी नहीं संवरने वाली, तो मेंस एक्सपी को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए।